जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे बातें करने वाले हैं। लेकिन मैं अपनी बातों को रखने से पहले मैं एक बात बता दूं कि न स्याही का हूं दुश्मन न सफेदी का दोस्त, न स्याही का हूं दुश्मन न सफेदी का दोस्त, मुझे आईना दिखाना है दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं सोमनाथ मंदिर। वह प्राचीन भारत की शान सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सोमनाथ मंदिर का महत्व क्या है, सोमनाथ मंदिर कभी बनता रहा कभी उजड़ता रहा, उस सोमनाथ मंदिर को उजाड़ने वाला लूटने वाला वो लुटेरा कौन था, मैं ये भी बातें करूंगा कि सोमनाथ मंदिर का क्या महत्व है, तो इन विषय वस्तुओं पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि यह सोमनाथ मंदिर है कहां। तो यह सोमनाथ मंदिर गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के बिरावल शहर में समुद्र के किनारे है और ये हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का मतलब ये होता है कि जहां भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। तो हमारे देश में कुल 12 ऐसे स्थान हैं जहां भगवान शिव साक्षात रूप से प्रकट हुए। उन स्थानों में से सोमनाथ भी एक स्थान है जहां पर भगवान शिव प्रकट हुए थे। वे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, रामेश्वर, मल्लिका अर्जुन और भीमा शंकर शामिल है। ये 12 ज्योतिर्लिंग है जहां जहां भगवान शिव ने प्रकट ली थी। अब प्रश्न ये उठता है कि सोमनाथ मंदिर का नाम सोमनाथ मंदिर कैसे पड़ा और इस सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो अगर हम लोग बातें करें हिंदू धर्म ग्रंथों की, तो हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार सोमनाथ मंदिर की स्थापना चंद्र देवता यानी चंद्रमा देवता ने की थी। उस चंद्रमा देवता को, चंद्र देवता को सोमराज के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र देवता का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के साथ हुई थी और उन 27 पुत्रियों में से चंद्र देवता सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी को करते थे। अब चूंकि दक्ष प्रजापति को यह देखकर अच्छा नहीं लगता था कि उनकी 27 पुत्रियों में से सबसे ज्यादा चंद्र देवता जिनको प्यार करते हैं, जिनको जिनके निकट रहते हैं, उनका नाम रोहिणी है, तो इससे दक्ष प्रजापति नाराज हो गए और उन्होंने चंद्र देवता को श्राप दे दिया। चंद्र देवता यानी चंद्रमा को श्राप यह दिया दक्ष प्रजापति ने कि तुम्हारी प्रतिदिन चमक कम होती चली जाएगी। अब चंद्र देवता बहुत घबरा गए और इस घबराहट की वजह से उन्होंने भगवान शिव के पास आराधना करनी शुरू कर दी। भगवान शिव चंद्र देवता के आराधना को स्वीकार करते हुए दक्ष प्रजापति के द्वारा दिए गए श्राप का निवारण कर दिया और उन्होंने कहा के चंद्र देवता, तुम्हारी प्रतिदिन चमक कम होने की जो श्राप दी गई है, तो अब ऐसा होगा कि 15 दिनों तक तुम्हारी चमक में कमी आएगी और फिर 15 दिनों के बाद तुम्हारी चमक लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रमा में लगातार 15 दिनों तक चमक में कमी आती है और फिर उसके बाद चंद्रमा की चमक में 15 दिनों तक वृद्धि होती चली जाती है। तो इस श्राप के निवारण से चंद्र देवता
जिन्हें सोमराज कहते हैं, सोम देवता कहते हैं, वे बहुत खुश हुए और उन्होंने एक सोने का मंदिर का निर्माण करवाया। और वह सोने का मंदिर आपको बिरावल शहर में समुद्र के किनारे बनाया गया। अब चूंकि भगवान शिव के आशीर्वाद से ये बहुत खुश थे और भगवान शिव को नाथ भी कहा जाता है, तो उस सोम देवता यानी चंद्रमा देवता के द्वारा उस मंदिर का निर्माण किया गया। इसलिए उसे सोम प्लस नाथ नाम दिया गया, यानी भगवान शिव की वजह से नाथ यानी भगवान, और सोम की वजह से यानी चंद्र देवता की वजह से ये सोम और नाथ नाम पड़ा, जिसके वजह से उस मंदिर का नाम पड़ा सोमनाथ मंदिर। ऐसा भी माना जाता है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कि उसी सोमनाथ नामक स्थान से भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण को त्यागा था। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर समय के अनेक झकझोरों को देखा है। इतिहास के पन्नों में इसका जो उल्लेख पहली बार मिलता है कि किसने दोबारा इसकी स्थापना की, तो 649 ईस्वी में वल्लभी के शासक मैत्रक राजा ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने इस सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। लेकिन 815 ईस्वी में नागभट्ट जो प्रतिहार शासक था उसने इसका पुनः निर्माण करवाया था। लेकिन 1026 ईस्वी में गजनी का शासक महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह से लूटा था। चूंकि महमूद गजनवी गजनी का रहने वाला था और वह गजनी वर्तमान अफगानिस्तान का एक प्रांत है, यानी उस समय से जैसे अभी तालिबानी है उस समय से गजनी भी हुआ करता था। और वह गजनी अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद से बहुत प्रभावित था और उस किताबुल हिंद में भारतीय मंदिरों की चर्चा की गई थी और उसमें यह बताया गया था कि भारतीय मंदिरों में अकूत संपत्ति है, अकूत खजाना है। अब चूंकि चाहे वह अरब का हो, चाहे वह तुर्क का हो, चाहे वह गजनी का हो, वे सब के सब लुटेरा था और वह सब लुटेरा हमारे भारतीय मंदिरों को या भारतीय भूखंडों को समय समय के साथ लूटने की कोशिश की, लूटने का प्रयास किया। चूंकि भारत शुरू से ही एक सोने की चिड़िया थी और उसी उद्देश्य से महमूद गजनवी 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर उस मंदिर को लूटने के लिए वह यहां आक्रमण करता, अपने 5000 लड़ाकों के साथ आता और मंदिर को लूटने के दौरान हजारों की संख्या में यहां के लोगों को कत्ल करता। उस मंदिर में इतनी ज्यादा संपत्ति थी कि उसे ऊंट पर और घोड़ों पर ले जाने का भी जगह नहीं था। और जब वह वापस जा रहा था, जब तक यह बात की खबर राजपूतों को लगी कि यहां के मंदिर को लूट लिया गया है और बहुत सारे लोगों का कत्ल किया गया है, तो उस समय भोज राजा वह महमूद गजनवी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता। तब तक इस बात की भनक लग जाती है महमूद गजनवी को कि उधर राजपूत शासक तैयार बैठे हैं, तो वह अपना रास्ता बदल लेता है और रणकक्ष क्षेत्र से होकर वह गजनी वापस जाने लगता। जब तक के सिंध के जाटों को पता चल जाता कि वहां के लोगों को लूटा गया है, कत्ल किया गया है, तो इस तरह से सिंध के जाटों ने महमूद गजनवी पर टूट पड़ता है
और बहुत सारे महिलाओं को, बच्चों को, लोगों को उनसे आजाद करा लेता है। और इस तरह से, बुरी तरह से, वह महमूद गजनवी शिकस्त खाने के बाद भागते हुए गजनी पहुंचता। तो उसने, महमूद गजनवी ने भारत को लूटा। भारत को इसलिए लूटा, सोमनाथ मंदिर को इसलिए लूटा, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में अकूत खजाना था। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि धर्म का प्रसार करना है, उसका उद्देश्य ये था कि भारत को लूटना है, भारत के मंदिरों को लूटना है, उसे तहस नहस कर देना है। इसी उद्देश्य वो आया था। उस समय वहां का जो शासक था वह भीम प्रथम था, जिसे मूलराज प्रथम के नाम से जाना जाता है। लेकिन महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करके वापस चला गया, तब फिर भीमराज ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। इस सोमनाथ मंदिर को लूटने, ध्वस्त करने की प्रक्रिया यहीं नहीं रुकी, बल्कि 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खान ने गुजरात आक्रमण किया और उसने भी सोमनाथ मंदिर को क्षति पहुंचाई। इसी प्रकार से मुजफ्फर शाह, उसका पुत्र अहमद शाह ने भी इसे, सोमनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया। और यही नहीं, 1706 ईस्वी में औरंगजेब भी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लुटवाता है, आक्रमण करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। लेकिन औरंगजेब ने इतने बंदिशें लगा दी कि वहां पूजा अर्चना वगैरह नहीं की जाएगी। लेकिन जब मराठा अपने आप को स्वतंत्र किए, तब 1783 ईस्वी में मराठा की रानी अहिल्याबाई ने, मराठा रानी अहिल्याबाई ने सोमनाथ मंदिर से थोड़ा सा अलग एक मंदिर की स्थापना की और वहां पर पूजा अर्चना शुरू की। लेकिन अगर हम बातें करें आज की, जो हमारा भव्य आधुनिक मंदिर है, जो सोमनाथ मंदिर है, तो जब 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, तो देश आजाद होने के बाद 1950 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आधुनिक मंदिर की स्थापना की। इस आधुनिक मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्माण किया। और 1951 ईस्वी में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया, यानी उसमें ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। और यह पूरी तरह से, यह मंदिर, सोमनाथ मंदिर, 1962 में बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोमनाथ मंदिर को समय के थपेड़ों से कभी बनने, कभी क्षतिग्रस्त होने का जो है स्थितियां पैदा होती रही है। अगर हम बातें करें तो यह सोमनाथ मंदिर प्रतिदिन 3 बार उसमें आरती होती है, एक सुबह 7 बजे, एक दोपहर 12 बजे और फिर शाम में 7 बजे। तो इस तरह से देखते हैं कि यह सोमनाथ मंदिर अनेक उतार चढ़ावों के बावजूद भी अपनी आज भी यह शानो शौकत को कायम रखा है और यह एक दर्शनीय स्थल है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हमने देखा कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर एक खास इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित होंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।